सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और माँ ललिता देवी मंदिर के आशीर्वाद से मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना। और पिछले जो 5 वर्ष रहे, उन 5 वर्षों में मैंने निस्वार्थ भाव से अपने क्षेत्र की सेवा करने का प्रयास किया, और जनता ने पुनः इस बार सभी प्रत्याशियों की, जो अन्य और प्रत्याशी इस बार खड़े थे, उनकी जमानत जब्त करके मुझे प्रयागराज के जो 100 वार्ड हैं उनमें सर्वाधिक मत देने का काम किया, जिसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूँगा। और आगामी 5 वर्षों में पुनः एक सेवक बन के उनकी सेवा करने का प्रयास करूँगा, और इसका जीत का जो श्रेय है मैं सर्वप्रथम अपने पिताजी को, उनके आशीर्वाद से इस चुनाव को लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, और उसके बाद अपने क्षेत्र की देवतुल जनता को, और भारतीय जनता पार्टी के मेरे मीरापुर वार्ड के एक एक कार्यकर्ता को। कार्यकर्ता शब्द थोड़ा बोलने में मुझे इसलिए अटपटा लगता है क्योंकि मैं खुद अपने आप को एक कार्यकर्ता समझता हूं, और जो लोग मेरे साथ लगे थे वो बहुत सीनियर लोग और बहुत पिता तुल्य चाचा के समान और परिवार के तरीके लगे थे, और मुझे परिवार का हिस्सा समझ के उन्होंने इस चुनाव में फिर से जीत दिलाई है। इसलिए मैं सभी जितने लोग इस चुनाव में मेरे साथ लगे थे और जितने लोग ने मतदान किया, जो लोग लिस्ट में नाम नहीं था नहीं कर पाए, मीरापुर के एक एक निवासी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। से इतना बहुमत आपको मिला है तो क्या बाबा का जो बुलडोजर भी गिर गया था तो क्या उसका भी थोड़ा फर्क पड़ा है? देखिए, बाबा के बुलडोजर का तो फर्क पूरे प्रदेश में है, ये तो केवल मीरापुर एक छोटा सा वार्ड है पूरे प्रदेश का। बाबा का बुलडोजर तो पूरे प्रदेश में गड़क रहा है। 17 के 17 नगर निगम में ऐतिहासिक जीत हुई है, 17 के 17 महापौर बने हैं, सभी वार्डों में, सभी नगर निगम के जो वार्ड में थे उसमें बहुमत हासिल करी भाजपा ने। तो मोदी योगी का तो कोई जवाब ही नहीं है, उनके दम पे ही भारतीय जनता पार्टी, और 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संपर्क में रहती है जनता के, उस काम के दम पे, मोदी योगी की नीतियों के दम पे आज भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रचंड बहुमत मिली है। अपनी जनता को से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि चुनाव जीतने के बाद मुझे कई लोगों ने कहा कि आपका सम्मान करना है, आप मेरा सम्मान मत करिएगा, मैं आपका सम्मान करूँगा, क्योंकि आपने मुझे सम्मान बहुत अधिक दे दिया है मतों के रूप में। मैं कोशिश करके आपका सम्मान 5 साल बरकरार रखूँ, यही मेरी आपसे विनती है, और कहीं भी कोई भी क्षेत्र में दिक्कत आएगी तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। सम्मान मीरापुर के बाहर मेरा लोग करें, मीरापुर वासी मेरा सम्मान न करें, मैं उनका सम्मान करूँगा।